हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि CISF दैट मीन्स सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की है। तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं, जैसा कि इसमें सब इंस्पेक्टर जो कि स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, एंड नेक्स्ट जो पोस्ट है वो हेड कॉन्स्टेबल की है। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको इस पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कितनी पोस्ट आई हुई हैं, कब से कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एंड इसके साथ साथ आपकी एज लिमिट वगैरह क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर देना, ताकि मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वीडियो के अपलोड होते ही मिल जाए। ओके, सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें दो टाइप की पोस्ट आई हुई हैं, जो कि एक सब इंस्पेक्टर की है, जो कि स्टेनोग्राफर की है, ठीक है, एंड जो दूसरी पोस्ट है वो हेड कॉन्स्टेबल की है। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो 26 सितंबर 2022 से इस फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आप जो है 26 सितंबर से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एंड इसकी लास्ट डेट जो होगी वो 25 अक्टूबर 2022 होगी, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो आप जो है 26 से 25 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्टूडेंट, इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देखें तो इसमें 540 पोस्ट टोटल आई हुई हैं, जिसमें से स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 122 जो है वैकेंसीज हैं। और इसमें आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, जैसा कि मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग है, मेल के लिए जो है 94 पोस्ट आई हुई हैं। और इसमें कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं, जिस भी कैटेगरी से UR, SC/ST जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उस अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। एंड फीमेल के लिए जैसा कि 10 पोस्ट है, एंड इसमें और अलग जो डिपार्टमेंटल है LDCE की, तो इसमें टोटल 18 पोस्ट आई हुई है। टोटल काउंट करें तो 122 पोस्ट आई हुई है, एंड हेड कॉन्स्टेबल की 418 पोस्ट आई हुई है, जिसमें से जो डायरेक्ट मेल की है वो 319 पोस्ट हैं, एंड फीमेल की 36 पोस्ट हैं, ठीक है, और LDCE की 63 पोस्ट है। टोटल 418 पोस्ट हैं, तो आप इसमें भी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, ओके। एंड नाउ अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, तो इसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 12th कंप्लीट हो गया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम एज जो है 18 ईयर होनी चाहिए, एंड आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 25 ईयर होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि आपकी एज जो है 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। अगर एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 26 अक्टूबर 1997 से 25 अक्टूबर 2004 के बीच में होनी चाहिए। अगर इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और आप इसके साथ साथ आपको कुछ एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाता है, तो आप इसका रिलैक्सेशन वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हैं, ओके। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप वहाँ से इसको डिटेल में भी देख सकते हैं, ओके। एंड इसमें कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी भी रिक्वायर्ड है, तो अगर हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, एंड फीमेल कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मेल के लिए जैसा कि चेस्ट वगैरह के भी बारे में भी दिया गया है, तो आप ये भी देख सकते हैं, ओके। और एक और क्वालिफिकेशन है, जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए, दोनों के अलग अलग पोस्ट के लिए है, तो अगर आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए, तो ड्यूरेशन ऑफ का जो है 10 मिनट में 80 WPM जो है होना चाहिए, एंड ट्रांसक्रिप्शन आपका जो है 50 मिनट जो है इंग्लिश में होना चाहिए, एंड 65 मिनट जो है वो हिंदी में होना चाहिए ऑन कंप्यूटर, ठीक है। और जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए है, इसमें जो है टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड है, तो आपकी इंग्लिश में 35 WPM आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, एंड हिंदी में 30 WPM आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, ओके। एंड एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 rupees एप्लीकेशन फ़ीस होगी, बट SC कैटेगरी, ST कैटेगरी एंड फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, यानी उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करना होगा, ओके। एंड नाउ इसमें पे स्केल की बात करें, तो जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इसके लिए आपको लेवल 5 पे पेमेंट दिया जाएगा, यानी कि आपकी सैलरी जो है 29,200 से 92,000
300 तक आपकी जो है सैलरी हो सकती है। एंड इसके साथ साथ जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए है वो पे लेवल आपको 4 पे रहेगा, यानी 25,500 से 81,100 तक आपकी सैलरी जो है हो सकती है। इसके साथ साथ आपको कुछ अलाउंस वगैरह भी दिया जाएगा, सारी चीज़ें, ठीक है। सो स्टूडेंट, आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, बट इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, ओके। और अगर आप जो है एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को 26 सितंबर से 25 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो आप लोग जो है अगर एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं, ओके। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो स्टूडेंट, थैंक यू।